नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे न जाने कितने माफिया हैं जो कभी सांसद और विधायक बनकर लाल बत्ती वाली गाड़ियों में भौकाल के साथ चला करते थे। लेकिन यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ के आते ही ऐसे तमाम माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके आजम खान को भी सरकार ने नहीं बख्शा और लंबे वक्त तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। यानी जब योगी सरकार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे बाहुबली माफियाओं को नहीं बख्शा गया, तो फिर सपाई नेता रामेश्वर यादव को भला सरकार कहां बख्शने वाली थी। उनके खिलाफ भी योगी राज में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का डंडा चला दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इधर कार्रवाई का डंडा चला और उधर सपा के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव गुहार लेकर योगी दरबार में पहुंच गए। इसी बात से समझ सकते हैं रामेश्वर यादव किस कद के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में करीब 80 केस दर्ज किए हैं। और इन्हीं मामलों में पुलिस ने दोनों की करीब 29 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई सरकार रोक दे। यही वजह है कि खुद सपा नेता रामगोपाल यादव सीएम योगी से मिलने उनके आवास पर गए थे। कौन है रामेश्वर यादव? रामेश्वर सिंह यादव समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। एटा की अलीगंज सीट से पहली बार 1996 में जीतकर वो विधायक बने। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से रामेश्वर ने जीत दर्ज की। 2007 के चुनाव में रामेश्वर यादव को बीएसपी नेता अवधपाल यादव ने हरा दिया। 2012 के चुनाव में हालांकि रामेश्वर यादव तीसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2014 में फरुखाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार गए थे। 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह राठौर ने रामेश्वर को हराया। 69 साल के सपा नेता रामेश्वर यादव के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जून महीने में पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर रामेश्वर यादव को जेल भेज दिया। रामेश्वर यादव का भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह फिलहाल फरार है। रामेश्वर यादव तो फिलहाल गिरफ्तार हैं, लेकिन उसका भाई जोगेंद्र सिंह यादव अभी भी फरार चल रहा, जिसके खिलाफ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। सर, आज गैंगस्टर अभियुक्त के विरुद्ध इनाम यह घोषित किया गया है, सर क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त गोविंद सिंह यादव के विरुद्ध दिनांक 31/5 को 82 CRPC का आदेश न्यायालय से प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सपाई नेता रामेश्वर यादव जहां गिरफ्तार हो गया है, तो वहीं उसके भाई जोगेंद्र सिंह पर इनाम घोषित कर पुलिस तलाश में जुटी हुई। जबकि दूसरी तरफ पुलिस रामेश्वर की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और उसे सीज करने की ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में भी जुटी। इधर योगी सरकार एक के बाद एक एक्शन ले ही रही थी कि 2 अगस्त को सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव कार्रवाई रुकवाने के लिए रात के अंधेरे में सीएम योगी के घर पहुंच गए और सरकार से कार्रवाई रोकने की अपील की। लेकिन जिस तरह से मीडिया में सपा की चिट्ठी बाहर आई, उसे देखकर लगता नहीं है कि बाबा का बुलडोजर रुकने वाला है। बहरहाल, गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार रामेश्वर यादव जैसे नेता के लिए सपा जिस तरह से पैरवी कर रही, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सपा के इस रवैये पर मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रदेश के मुखिया से मिलना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, तो लोकतंत्र में उसको आज़ादी है। यहाँ तो जो है सभी लोग आदरणीय महाराज जी से मिलने के लिए, योगी जी से मिलने के लिए लालाहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो मैं समझती हूँ अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भी अपना एक माध्यम चुना और जो है उन्होंने अपनी बात रखी और महाराज जी ने उसे सुना। कि जो व्यक्ति विशेष से मुलाकात की बात कही, उसके बाद शिवपाल जी ने भी कहा कि आजम खान को लेकर क्यों नहीं बात हुई उसके पहले कही। देखिए, ये पत्र ऑलरेडी जिस तरह से बाहर पब्लिक हो गया है कि मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र ज्ञापन सौंपा गया, क्या चीज़ें बात हुई, उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पत्र में 2 ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। मैं समझती हूँ आदरणीय मोदी जी के शासन में
कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई है और सुगढ़ रूप से मुझे लगता है सभी को न्याय मिल रहा है। अगर किसी भी तरीके से प्रदेश में या देश में कानून को कोई भी आच्छादित करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दंड नियम बने हुए हैं, उनका पालन कराया जाएगा। जी ने जो बात कही उसको किस तरह देखी उन्होंने भी? चाचा जी ने अपना व्यक्त किया अपने और पत्र जारी करवा दिया उनका, तो मैं समझती हूँ कि उनका जो भी पत्र लिखा हुआ है उस पत्र को पढ़ करके और जो चाचा जी ने बात कही है उससे कई लोग सहमति रखते होंगे। पिछड़ों पे जाति हो रही है, आदिवासियों पे जाति हो रही है, ये एक देखिए एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि वो विपक्षी हैं और जो है मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पिछड़ों पर जाति हो रही है, अगर पिछड़ों पर जाति हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी राष्ट्रपति जो आज हैं कभी जो है उनको मौका नहीं मिलता अगर वो किसी और पार्टी में होती। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और इस देश का जो एक मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है हमारे देश को पूरे विश्व में, ये एक बहुत बड़ी बात है और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी आदरणीय राष्ट्रपति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का जातिवाद, किसी भी तरीके का अल्पसंख्यकों के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। जी प्रत्याशी बनाया था, उनका पर्चा भी खाली हो गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या लगता है उनकी कम उम्र से खारिज हुआ पर्चा, क्या लगता है महिलाओं का अपमान करने के लिए इस तरह खड़ा कर दिया? देखिए मैं समझती हूँ कि इसमें जो टीम होती है पार्टी की उसको देखना चाहिए कि एज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या किस तरीके का एज का क्राइटेरिया होना चाहिए, देर इज़ अ सेट बार और ये सब बड़ा बेसिक सिविक्स है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को चेक करना चाहिए था उनको वहाँ भेजने से पहले, उनका पर्चा दाखिल करने से पहले।